CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज के हमारे अक्षर हैं ओ और ओ। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम ओले बोले के औजार। अरे ये क्या, बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे आए भी हैं या नहीं आए? एक काम करता हूँ, बाहर चल के देखता हूँ। अरे 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 बच्चों, तुम यहाँ छुपे थे? तुम यहाँ छुपे बैठे हो हैं? आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन ये तो बताओ, क्या मैं चोर हूँ? हैं है? चलो ठीक है अब छोड़ो तो भाई, अब बैठ तो जाओ। अच्छा ठीक है तुम्हारी बात मान ली। आज मेरे अक्षर हैं ओ और ओ। ओ ओ एक बार फिर ओ ओ ओ ओ। शाबाश। तो आज की मेरी कहानी का नाम है ओले बोले के औजार। ओले बोले के औजार। शाबाश। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओले बोले के औजार। शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी। कौन था? व्यापारी। अच्छा ये बताओ, व्यापारी होता कौन है? वो सामान बेचता है। सामान बेचता है, जो चीजें बेचता है। चीजें बेचता है, तरह तरह की चीजें। वो साड़ी बेचता है। साड़ी बेचता है। वो लड्डू बेचता है। लड्डू बेचता है। खाना बेचता है। वो लोहा बेचता है। लोहा बेचता है। वो बर्तन बेचता है। बर्तन बेचता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो व्यापार करता है उसे कहते हैं हम व्यापारी। क्या कहते हैं? व्यापारी। शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी, उसका नाम था ओले बोले। क्या नाम था? ओले बोले। वो बहुत सारी चीजें बेचता था, जैसे कपड़ा, बर्तन, औजार। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। अच्छा औजार पता है ना क्या होता है? बताओ बताओ। प्लास, कीले, पेचकस, आरी, हथौड़ी। हथौड़ी, अरे वाह क्या बात है भाई, हमारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। सही कहा तुमने। हाँ इसके अलावा वो और भी कुछ बेचता था, बताऊं क्या क्या? क्या भैया? वो ओखली बेचता, और वो भी दो दो मूसल के साथ। ये ओखली क्या होता है? ओखली बेटा जिसमें मसाला कूटते हैं। हाँ ऐसे धम 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 धम। हाँ तो बच्चों, वो ओखली बेचता दो दो मूसल के साथ, और हाँ साथ में लाल गुलाबी लहंगा भी बेचता था, जिसके साथ चार चूड़ियां भी होती। बिल्कुल मुफ्त। हाँ, बिल्कुल वो गोलगप्पे के साथ पानी। तो बच्चों बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मैं आगे कहानी सुनाऊं? हाँ भैया। हाँ तो सुनो कहानी। एक बार बच्चों हुआ ये कि ओले बोले की दुकान पर एक औरत आई। भैया ओ से औरत। शाबाश, ओ से औरत। तो बच्चों वो औरत ओले बोले से बोली, अरे ओले बोले भैया, एक ओढ़नी दिखा दो जिसमें मोर बने हो। भैया ओ से ओढ़नी। ओ से ओढ़नी। ओ से ओले बोले। हाँ तो ओले बोले ने उस औरत से कहा, हाँ हाँ बहन जी, हाँ अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाल, ये हरी, ये पीली, और ये लो एक और, ये है नीली। तो ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओले बोले और ओ से औरत और ओ से और। तो बच्चों आगे सुनो क्या हुआ। तभी वहां पर एक बूढ़े बाबा आए और बोले, अरे बेटा बेटा। हाँ बाबा कहिए। बेटा क्या यहाँ मेरी दवा मिलेगी? तब ओले बोले ने कहा, अरे बाबा मैं औषधि नहीं बेचता। औषधि यानी दवाई। दवाई, वाह क्या बात है। इसी बात पर हो जाए ताली जोरदार भाई। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सब बहुत ही होशियार हो, बहुत ही प्यारे हो और बहुत ही समझदार भी हो। अब आगे सुनाऊं कहानी? हाँ भैया। तो सुनो कहानी।
तो बच्चों ओले बोले ने कहा, बाबा जी ये दवा वहां सामने वाली दुकान पर मिलेगी, हाँ वहां जाइए आप। अच्छा बेटा, मैं केमिस्ट से ले लूंगा। केमिस्ट से ले लूंगा। वाह क्या बात है, केमिस्ट कौन होता है बताओ? जो दवाई बेचता है, जो दवाइयां बेचता है। हाँ पता फिर क्या हुआ? तभी वहां पर दो आदमी आए, पता उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे ओंकार और ओम। ओंकार और ओम, ओ से शाबाश, ओ से ओंकार, ओ से ओम और ओ से और ओंकार और ओम। अच्छा पता है वो दोनों क्या करने लगे? वो दोनों औने पौने पैसे देकर सारा सामान मांगने लगे, ओ से ओम। वो चोरी कर रहे थे। हाँ चोरी समझ लो, चोरी और सीना जोरी। ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से औने पौने। औने पौने यानी उल्टे सीधे, ठीक है बच्चों? तो कभी वो कहते, ए ओले बोले हमें 2 रुपए में ओखली दे दो, और वो भी दो दो मूसल के साथ। हा? हाँ, हाँ, 1 रुपए में हथौड़ी दे दो, जल्दी करो जल्दी करो। 1 रुपए में साड़ी दे दो। हाँ, 1 रुपए में बर्तन दे दो, बर्तन दे दो। 1 रुपए में कुल्हाड़ी दे दो, 1 रुपए में कुल्हाड़ी। फिर पता क्या हुआ? क्या हुआ भैया? हाँ वही तो बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। वो एक एक कर सारे औजार निकलवाते और कहते, ये सामान तो बेकार है। अरे बिल्कुल बेकार है भैया, तुम्हारे पास सारी चीजें बेकार है, कोई भी ढंग की नहीं है यहाँ पर। हाँ ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तंग करना उससे भी बुरी बात है, वो अच्छा नहीं कर रहे। बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। क्या हुआ भैया? बताता हूँ। फिर उनमें झगड़ा होने लगा, मार पिटाई शुरू हो गई। ओहो, ओहो से ओहो, शाबाश। तो उनमें बच्चों खूब धक्का मुक्की हुई। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये ले, और ले, अरे क्यों मार रहे हो? बच्चों उनमें इतनी धक्का मुक्की हुई कि तभी ओले बोले, ओंकार और ओम तीनों औंधे मुंह गिरे जमीन पर, धड़ाम। बहुत चोटें लगी। हाँ बहुत चोटें भी लगी होंगी। हाँ और उनको बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, फट गया, वो घायल हो गए, घायल हो गए, बिल्कुल सही। और भैया औसे औंधे। हाँ तो उसके बाद बच्चों हुआ ये कि वो जो औरत ओढ़नी लेने आई थी ना, हाँ भैया, वो वहीं पर खड़ी थी और ये झगड़ा देखकर उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। हाँ बिल्कुल सही, उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो पुलिस को देखकर ओम और ओंकार डरकर सरपट भागे, लेकिन पुलिस की आंखों से ओझल नहीं हो पाए। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। तो बच्चों ओ से ओझल, ओ से ओढ़नी, ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से ओले बोले, ओ से औरत, ओ से औजार और ओ से औंधे। हाँ बच्चों बात दरअसल ये थी कि ओले बोले इतने अच्छे औजार बेचता था कि ओम और ओंकार उन्हें लेना तो चाहते थे पर पैसे देना नहीं चाहते थे। ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है सच में। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, हमें पैसे देकर चीज खरीदनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल हमें ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल सही, ईमानदार होना चाहिए, और चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, बुरी बात होती है, बहुत बुरी बात होती है। शाबाश। तो बच्चों अब हुआ ये कि ओम और ओंकार को पुलिस ने पकड़ लिया और ओले बोले अपने औजार फिर से बेचने लगा और बाकी चीजें भी आराम से बेचने लगा, और हथौड़े और कील और पेचकस और औजार बेचने लगा, औजार बेचने लगा, और ओढ़नी और चूड़ी, ओढ़नी और चूड़ी और साड़ी भी, साड़ी भी, बर्तन और पेच भी, पेचकस भी, कपड़े और आरी। शाबाश। हाँ तो बच्चों उसके बाद ओले बोले ने उस औरत का धन्यवाद किया और कहा,
बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आपने मुझे आज बचा लिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। रुकिए रुकिए, आप ये खुरपी लीजिए मेरी तरफ से। अरे मगर चलो ठीक है, मुझे खुरपी लेनी भी थी। धन्यवाद ओले बोले, धन्यवाद। तो बच्चों, ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओ ओ ओले बोले था व्यापारी, ओले बोले था व्यापारी, अजब था उसका व्यापार, अजब था उसका व्यापार। बेचे कपड़ा बेचे बर्तन, बेचे कपड़ा बेचे बर्तन, और बेचता था भोले भोले के औजार, भोले भोले के, भोले भोले के औजार, भोले भोले के। ओ से बेचे ओखली वो दो दो मूसल जिसके साथ, से ओले बोले ओखली और ओ से होता औजार। ओले भोले के औजार, ओले भोले के, ओले भोले के औजार, ओले भोले के। औरत ओले भोले के औजार, ओले भोले के, ओले भोले के औजार, ओले भोले के। बूढ़े बाबा पूछे मेरी दवा मिलेगी क्या यहाँ, ओले भोले ने कहा कोई औषधि मिलती नहीं यहाँ। तभी वहाँ दो आदमी आए, ओंकार और ओम था नाम, औने पौने पैसे देकर मांग रहे सारा सामान। ला दे ओखली, दे मूसल, सारे औजार दे। अरे इतना घटिया सामान कौन देगा तुझे इसके दाम। कभी वो मांगे ओखली मूसल, एक एक करके सारे औजार, बार बार देखें और बोले ये सामान है बेकार। हुई धक्का मुक्की और ओले बोले गिरा घड़ा। तब औरत ने पुलिस बुलाई, भागे ओंकार और ओम, पकड़ा दोनों को पुलिस ने, दोनों पहुंच गए थाने। अक्ल आई अब दोनों को, अब वो अपनी गलती माने। से होता ओखली और ओ से होता है औजार। अब तो बड़े चैन से चलता ओले बोले का व्यापार, सारी चीजों में अब सबसे ज्यादा बिकता था औजार। ओले बोले के औजार, ओले बोले के, ओले बोले के औजार, ओले बोले के। ओले
बोले बोले के औजार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार लवीश, नमन, निशांत, अभय, दक्ष, कुशाग्र, महमूद और अतुल। संगीतकार हरभजन सिंह। गायन स्वर मंजीत सिंह और कनिष्का नेगी। बाल गायक आभा, मेघा, दिलकश, रक्षित थपलियाल, हरप्रीत कौर और अनुश्री। ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम। आलेख, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।